प्रातः क्लास चल रहा था 7 मार्च 1968 गुरुवार को तीसरे पेज के मध्यांत में। 2 दिन से बात चल रही थी कि श्रीमत किसको कहा जाता है, जिस श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। परमपिता प्लस परमात्मा है, साकार और निराकार दोनों मिलकर के जो बोलते हैं उसको श्रीमत कहा जाता है। तो श्री श्री उनको कहेंगे। इनको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ डबल श्री किनको कहेंगे है? हाँ, उनको माना बहुवचन हो गया। बहुवचन हो गया तो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ एक हुआ, ये 2 हुए। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ तो एक ही होता है, 2 होते हैं क्या है? 2 तो फिर नहीं कहेंगे। 2 के बीच में जरूर एक श्रेष्ठ होगा है, तो उसको कहेंगे। मैंने उसको माने एक या कम से कम 2, 1। तो वो है ऊंचे ते ऊंचा, किससे कंट्रास्ट किया, किससे टैली किया, ऊपर वाले से टैली किया। वो तो टैली करने में आता ही नहीं, वो गिनती में ही नहीं आता। वो तो कहता है जो गिनती में आए सो चक्कर में भी आए ना, मैं चक्कर में आता हूं। सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर चक्कर में आता है, 5000 वर्ष के चक्कर में नहीं आता। तो ऊंचे ते ऊंच वो हीरो पार्टधारी को कहेंगे। तो इसके लिए उनको श्री श्री कहा जाता है, देवताओं को श्री कहा जाता है, क्योंकि उनको जब कहेंगे तो जरूर कॉम्बिनेशन है किसका किसका है, कितनी आत्माओं का कॉम्बिनेशन है जिसको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रेष्ठ रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला कहेंगे। कहेंगे विष्णु, जो विष्णु है वो ऊंचते ऊंच देवता हुआ ना, बाकी उसके सहयोगी हैं तो ऊंचते ऊंचे है कि खंडित है। कोई भुजा खंडित हो जाए तो फिर ऊंचते ऊंच कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। जो खंडित मूर्तियां होती हैं उनकी तो पूजा भी भक्ति मार्ग में होती है, नहीं होती है। हाँ, तो बताया श्री देवताओं को कहा जाता है। देवताएं तो अनेक हैं, तो फर्क हो गया ना एक में और अनेक में। तो वो है देने वाला देवता, देवता माने देने वाला, और देने का काम न करे लेवता ही बुद्धि में बैठा रहे तो क्या कहेंगे, देवता या राक्षस है? राक्षस कहेंगे। तो तुम वो बात नहीं बनेंगे। कौन सा बात है, कौन सा बात, जो लौकिक दुनिया में बाप होते हैं वो तुम नहीं बनेंगे ना। तुम जब ऊंचे ते ऊंचे बाप बनेंगे तो फिर तुम नीचे आते भी हो,
सृष्टि रूपी चक्कर में पार्ट बजाओगे तो नीचे आओगे या नहीं आओगे? आते। इसलिए तुमको सदैव श्री श्री नहीं कह सकते हैं, है? कह सकते हैं नहीं? बाप को सदैव श्री श्री, क्योंकि वो फिर नीचे नहीं आते हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। कौन? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर नहीं आते हैं। तो वो सदैव श्री श्री है और तुमको बनाते हैं श्रेष्ठ। श्री माना श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ को जरूर महाश्रेष्ठ होगा, है? हाँ, बताया ना, महाशब्द कब लगाया जाता है? है, जब टैली किया जाता है किसी से तो महाशब्द लगा। किससे महान? कोई से महान हुआ ना? तो दो के बीच में एक महान, तो जो ऐड हुआ वो बाद में हुआ या पहले हुआ? बाद में ऐड हुआ। तो सुप्रीम सोल में ऐड कौन हुआ? जो सुप्रीम सोल समान बनता है, कहेंगे देवदेव महादेव। क्या कहेंगे? देवताओं में जो ऊंचा देवता है वो महादेव। तो वो बनाएंगे ना बच्ची, तो इसलिए उनका, क्योंकि ये बनाना करना ये सुप्रीम सोल बाप का काम है, है? वो तो करता है, वो कुछ बनाता करता है ही नहीं। तो इसलिए उनका माना विष्णु का, अकेले का। अरे विष्णु अकेला है कि और सहयोगी भी साथ साथ हैं, है ना? तो अभी ये जो टाइटल्स हैं, है अपने भगवान के टाइटल्स या देवताओं के टाइटल्स, ये देखो आजकल ये सभी को दे दिए हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है तो कोई से टैली किया कि नहीं? नहीं। हाँ टैली किया तो नंबर वार भगवान हो गए कि नहीं? हाँ। तो आजकल, आजकल माने है पहले नहीं कहते थे कि भगवान अनेक हैं, पहले तो शंकराचार्य ने भी कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ये सभी को भगवान का टाइटल दे दिया अभी तो आज की दुनिया में। अरे कुत्ते बिल्लियों को भी दे देते हैं, जानवरों को भी दे देते हैं। तो जो पालन करते हैं अपने बाल बच्चों की पालन का करते हैं कि नहीं? उनको भी, उनको भी नाम श्री रख देते हैं। तो जो नाम रख देते हैं ऐसे ऐसे, उनको कहा जाता है तमो प्रधान बुद्धि। जो जानवरों को भी कुत्ते बिल्लियों को भी नाम रख देते हैं, समझे ना बच्ची? कुत्ते, कुत्ते माने कामी, बिल्ले माने लड़ाई लड़ने वाले। तो देखो उन कुत्ते बिल्लियों का तो ये ही धंधा है। तो इस दुनिया को कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट्ट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा है। ये फिकरा कभी तुम बच्चों ने सुना है? हाँ, कोई बच्चे कहेंगे हाँ सुना है। अभी ये है पाई पैसे के मनुष्य, उनको देखो कहां वो श्री
का टाइटल लेने वाले देवातम है, देवता है। और कहा ये कुत्ते बिल्ली, तो ये हो गया ना बच्ची अंधेरे नगरी। और अंधेरी नगरी भी इसको कहा जाता है। हाँ, उसे नई दुनिया को नहीं कहा जाता है। तो ये बात समझाते हैं, ये है सब धृतराष्ट्र की औलाद। क्या राष्ट्र माने धन संपत्ति, देश की सारी धन संपत्ति है वो अपने ही है स्वार्थ के लिए धक्के बैठ जाते हैं। स्वारथ, स्व माने अपना, रथ माने शरीर, अपने ही शरीर और शरीर के संबंधियों के लिए रख के बैठ जाते हैं और सारी दुनिया का कोई ख्याल बुद्धि में आता ही नहीं। तो उनको कहा जाता है धृतराष्ट्र, और उनकी औलाद अंधे की औलाद अंधे। सात मार्च 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, गुरुवार। तो अभी समझा कि ये अंधे धृतराष्ट्रों का बड़ा कौन है? है? अरे ये अंधे की औलाद अंधों का बड़ा है ये रावण। रावण माने काम के आधार पर नाम पड़ता है ना, रावण माने रावयते लोकन इति रावण, जो लोगों को रुलाता है वो ही रावण। अब इस रावण के कारण देखो ये इस दुनिया में सभी अंधे है, उनको कहा जाता है अंग्रेजी में ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धालु, यानी कुछ भी नहीं समझते हैं। तो नहीं समझते हैं उनको कहा जाता है ब्लाइंड, अज्ञान के अंधे। तो देखो वो असली आंख तो इन ब्लाइंड को नहीं है ना बच्ची, नकली भी नहीं है। हद के जो अंधे हैं उनको नकली आंख भी नहीं, और बेहद में जो अंधे हैं ब्राह्मण की दुनिया में है कि नहीं है? बेसिक में भी है, एडवांस में भी है, तो उनको बेहद की आंख है नहीं है? तो क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो तीसरा नेत्र है ना, कौन सा नेत्र तीसरा है? तीसरा नेत्र जो है ना, दुनिया वालों का सबका एक कम 500-700 करोड़ का भी है, उनका तीसरा नेत्र है? तो क्यों लिख दिया है? उनका किसी का तीसरा नेत्र नहीं है। तीसरा नेत्र किसे को दिखाते हैं? है? एक को दिखाते हैं। तीसरा नेत्र किसको? शिव नेत्र दिखाते हैं। शंकर नेत्र क्यों नहीं कहते? क्योंकि शंकर तो देहधारी का नाम है, मूर्ति का नाम है या अमूर्त का नाम है? है? मूर्ति का नाम है, अमूर्त तो वो एक ही सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है, सदा शिव ज्योति है। वो ज्योति है तो उसकी कोई मूर्ति होती है क्या? नहीं। तो वो है ज्ञान का अखूट अविनाशी भंडार, जो ज्ञान उसमें कभी खलास होता ही नहीं। तो वो ज्ञान इन 500-700 करोड़ में है ही नहीं। बेचारे ज्ञान नेत्रहीन है, इसलिए उनको अंधा कहते हैं। क्या किस बात का ज्ञान नहीं है?
अरे देखो गीता में भी बताया ना कि सब बात का ज्ञान होना चाहिए, है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होना चाहिए, है क्षेत्र माने वो शरीर रूपी धरणी, क्षेत्र माने खेत, बिगड़ा हुआ रूप हो गया ना क्षेत्र का खेत, तो शरीर रूपी चैतन्य धरणी जो है वो कौन सी है, है जो पहचाननी है, उसका ज्ञान जानकारी होनी चाहिए, है होनी चाहिए या नहीं, वो एक है या दो चार है, वो एक ही है क्षेत्र रूपी धरणी शरीर रूपी धरणी, है और उसको जानते हैं तो कहेंगे सोजर, कैसे जानेंगे, उस अकेले को जानने की बात है नहीं, उसमें जो क्षेत्रज्ञ है उस क्षेत्र को पहले नंबर में जानने वाला, पहला नंबर तो वो खुद ही हो गया, क्योंकि नंबर लगाएंगे तो हीरो पाटधारी, और जिसको नंबर नहीं लगाया जाता है वो है सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, शिव सुप्रीम सोल है ना, सदा शिव ज्योति है। तो उनको तो अंधा कभी कहेंगे कभी नहीं कहेंगे, तुमको भी ये स्थूल आंखें तो हैं पर तुम्हारी आत्मा है सूक्ष्म की स्थूल, सूक्ष्म आत्मा है ना, तो सूक्ष्म आत्मा की जो शक्ति है वो है मन बुद्धि रूपी आत्मा, मन बुद्धि है कि नहीं सूक्ष्म शक्ति, हा? उनको अभी ज्ञान नेत्र मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कि पूरे मिल गए उनको, उनको माने वो सभी जो दुनिया वाले हैं उन सब को, जिससे तुम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाएंगे तो आदि मध्य अंत में कौन कौन क्या क्या पार्टधारी है, क्या क्या पार्ट बजाते हैं वो भी जानेंगे कि नहीं, जान जाएंगे, अभी जानते हैं हा? अभी तो नहीं जानते हैं, जान जाते हो क्योंकि ज्ञान नेत्र मिल रहा है। तो भगवान भी कहते हैं बच्चों मैं इस शरीर से पार्ट बजाए रहा हूं, है शरीर बिगड़े हम पार्ट कैसे बजाएंगे, हम क्यों कह दिया, इसलिए कह दिया कि पंचानन कहा जाता है ना, पंच मुख हैं तो पंच शरीर भी होंगे ना, उनके बगैर कोई पार्ट बजा सकते हैं है? नहीं बजा सकते, शरीर बगैर भला हम तुमको ये राजयोग का ज्ञान कैसे देंगे, है जिस राजयोग से तुम ऊंचते ऊंच बन सकते हो, क्या ऊंचते ऊंच, विष्णु लोक के ऊंचे थे ऊंचे लोक के विष्णु भगवान बन सकते हो ना, है नहीं बन सकते, बन सकते हो, तो अगर हम शरीर बिगर इस सृष्टि पर काम करें तो कैसे करेंगे, हम टीचर कैसे बनेंगे, है ऊंचते ऊंच पढ़ाई की टीचिंग कैसे करेंगे, टीचर में तो ज्ञान होता है ना, क्या ज्ञान होता है, समझने का ज्ञान होता है और समझाने का भी होता है या नहीं, होता है, तो वो ज्ञान होता शरीर में है कि आत्मा में, ज्ञान तो शरीर में नहीं होता है आत्मा में होता है, तो आत्मा को शरीर तो जरूर चाहिए ना, सुप्रीम सोल भी आत्मा है या शरीर है, पांच तत्व का पुतला है क्या, नहीं है ना, हाँ तो उसको भी शरीर तो जरूर चाहिए, तो बाप
सुप्रीम सोल और परमात्म परम पार्टधारी आत्मा माना परम प्लस आत्मा। परम शब्द लगाएंगे तो कोई से टैली करेंगे ना, किससे परम तो गिनती में आया ना, हाँ तो जो गिनती में आता है उसको कहेंगे परमात्मा, समझे। वो भी आत्मा, क्या वो कहके दूर क्यों कर दिया हा? सुप्रीम सोल ने अपने कहा, अपने लिए कहा मैं भी आत्मा और वो भी, वो भी माने कब, जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच और 5000 वर्ष में पार्ट बजाता है तो वो भी दूर हुआ है? सुप्रीम सोल बाप से दूर हुआ कि सदा नजदीक रहने वाला, दूर हो गया ना, वो भी आत्मा। तो वो भी आत्मा शरीर बगैर पार्ट नहीं बजा सकती और मैं भी आत्मा, भी लगाएंगे कि नहीं मेरे लिए भी, हाँ तो है तो वो भी आत्मा, परंतु उसको कहते हैं है जो आत्मा है, आत्मा शरीर के बगैर पार्ट नहीं बजा सकती, उसको सुप्रीम सोल कहते हैं। हाँ मरे सोल के बीच में जितने भी सोल्स हैं इस दुनिया में है, मनुष्यों की, देवताओं की, कोई भी सोल, पशु पक्षियों की, वो सब सोल है ना, तो उन सोल्स के बीच में परम है कि नहीं, नहीं है परम, हा तो वो है परम पिता। तो बाप को है वो सब सुप्रीम सोल बाप को परम पिता कहेंगे, बाकी लौकिक बाप को कोई कभी परम पिता नहीं कहेंगे, तो वो पिता उनको कहेंगे। कभी भी घर में परम पिता कभी भी नहीं कहेंगे बच्चे, यहां तुम जानते हो कि हमको परम पिता यानी जो सुप्रीम है, जो है ही ज्ञान का सागर, क्या ज्ञान का सागर है या नहीं है? जड़ सागर है, जड़त्व मुति बुद्धि बनने वाला, पत्थर बुद्धि बनने वाला है, या चैतन्य सदैव रहने वाला, सदा चैतन्य रहने, बताया ना। अगर तुम कहो कि सागर का पार्ट तो देवताओं में बड़े देवता महादेव का है, अभी बाप कहते हैं, कहते हैं भक्ति मार्ग में देव देव महादेव, वो भी कौन है, वो भी तो मैं हूं है? वो महादेव का पार्ट बड़े से बड़ा दाता देवता का पार्ट बजाता है, है? कि अभी भी देवता का पार्ट बजाएगा, लेने की इच्छा करता है कि देवता का पार्ट बजाता है, क्या कहेंगे, देने की पार्ट बजाता है जो महादेव का टाइटल धारी है, वो अभी है, उसके अंदर अभी इच्छाएं जागृत होती है या नहीं, नहीं होती है, हा? अगर इच्छाएं जागृत होती हैं तो कहेंगे इच्छा मात्र अविद्या, अज्ञानी हुआ कि ज्ञानी हुआ, अज्ञानी हुआ। हाँ तो फिर तुम तो उनकी महिमा करते हो कि नहीं, हा जो 100 साल संगम युग के पूरे होते हैं और एग्जैक्ट पुरुषोत्तम संगम युग के उसी सेकंड में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, जिसके लिए गाया हुआ एक सेकंड में मुक्ति और जीवन। तो जो दाता है उसको कहेंगे है ज्ञान सागर, दाता माने देवता, तब कहेंगे ज्ञान का सागर। ओम शांति।
हाँ 30 तारीख हो गई।